नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। मन की बात, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात करते हैं और आज अगस्त महीने का आखिरी रविवार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर उन्हें याद किया। ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, आज जब हम देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। इसी के साथ मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रही है बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में भी मन की बात की चर्चाएं होती आई हैं। तो आइए जानते हैं कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या बड़ी बातें रही। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलने लगा है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। अरे एक बार मन में ठान लेता है जब युवा तो जी जान से जुड़ जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश में खिलौनों की चर्चा हो रही थी, देखते ही देखते जब हमारे युवाओं के ध्यान में यह विषय आया, उन्होंने भी मन में ठान लिया कि दुनिया में भारत के खिलौनों की पहचान कैसे बने, कितने ही पदक क्यों ना मिल जाए। लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का जो पदक मिला, 4 दशकों बाद मिला है। आज छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप कल्चर का विस्तार हो रहा है और मैं उसमें उज्जवल भविष्य के संकेत देख रहा हूं। इसके साथ ही तमाम बातें वो करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजेस के छात्र, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ कर सामने आए। कल जन्माष्टमी का महापर्व है। जन्माष्टमी का ये पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं, नटखट कन्हैया से लेकर विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर शास्त्र समर्थ करने कृष्ण तक। मैं सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज जब हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हमें ये याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान के संकल्प को हमें कभी भी मन नहीं पड़ने देना। हमारे देश में जितने ज्यादा शहर वाटर प्लस सिटी होंगे उतनी ही स्वच्छता भी बढ़ेगी, हमारी नदियां भी साफ होंगी और पानी बचाने की एक मानवीय जिम्मेवारी निभाने के संस्कार भी होंगे। अब देखिए ना, हमारे तमिलनाडु में शिवगंगा जिले की कांचीगाल पंचायत, देखिए छोटी सी पंचायत ने क्या किया है। यहाँ पर आपको वेस्ट से वेल्थ का एक मॉडल दिखने को मिलेगा। गांव के इस पावर प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 2 टन कचरे के निस्तारण की है। हर महीने के अंतिम रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी और तमाम चैनलों पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये 80वां एपिसोड रहा है और इस दौरान उन्होंने तमाम बातें कही है। वहीं केरल में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है, जिस वजह से पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का संकट बढ़ता जा रहा है। लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़ों का अगर मैं जिक्र करूं तो आप एक बार फिर से चौंक जाएंगे। उससे पहले 2 तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, देश की और केरल की। देखिए, एक तरफ देश के तमाम राज्यों से मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, वहीं अकेले केरल से दूसरी तरफ तमाम जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। यानी केरल वो राज्य बन गया है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब भी मिल रहे हैं। केरल में जो वीकेंड लॉकडाउन है वो लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो संख्या है कोरोना आंकड़ों की वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। या इसे लापरवाही कहें या सख्ताई से पालन ना करना कहें गाइडलाइंस को, तमाम जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आती हैं, लेकिन साफ तौर पर ये देखा नहीं जा रहा है कि आखिर वजह क्या है, किस वजह से केरल में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पूरे देश का आंकड़ा है उसमें उछाल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करूं अगस्त के शुरुआत की तो मामले कम हो गए थे, 22,000 तक मामले चले गए थे, लेकिन फिर से जो आंकड़ा है वो 40,000 को पार कर है या फिर 38,000, 35,000 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि
डराने वाले आंकड़े हैं। देखिए, दूसरी लहर का प्रकोप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आंकड़े शून्य नहीं हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जो विशेषज्ञ जता रहे हैं वो डरा रहे हैं, क्योंकि अगर तीसरी वेव भारत में आती है तो बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में पहले से ही हमें सावधान रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। सिर्फ जिम्मेदारी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की नहीं है, जिम्मेदारी आपकी भी है, आपकी मतलब हम सब की। हम सब देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, हमें जिम्मेदार रहना है, क्योंकि अगर अब हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो आंकड़े अपने आप कम होंगे। जब तक आंकड़े शून्य नहीं हो जाते तब तक हमें ये नहीं मान लेना है कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, ये किस रूप में आ जाए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लगातार कोरोना बहुरूपिया बनकर सामने आता रहा है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए और 460 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 24 घंटे में 35,840 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, यानी कि कल 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस बढ़ गए हैं जो कि चिंता का सबब बने हुए हैं। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। गुरुवार को 46,000, शुक्रवार को 44,000, शनिवार को 46,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आए थे। देश भर में कोरोना मामले बढ़ने का मुख्य कारण केरल ही है। केरल में लगातार चौथे दिन शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, यानी कि अकेले केरल में 30,000 से ज्यादा मामले और बाकी पूरे देश से मिलाकर 10,000 से ज्यादा मामले, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर करीब करीब 40 लाख केरल में हो चुके हैं। हालांकि संक्रमण की दर घटकर 18.67% रह गई है, जो 27 अगस्त को 19.22% थी। तो ये पूरा कोरोना अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। केरल में बेकाबू कोरोना वायरस होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में भारत की भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। टेबल टेनिस में भारत के लिए मेडल जीतने वाली भाविना पटेल पहली खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी ने भाविना पटेल की सराहना करते हुए कहा है कि उनके जीवन का सफर युवाओं को स्पोर्ट्स में आने की प्रेरणा देगा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर भाविना पटेल को सिल्वर मेडल जीतने के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, भाविना पटेल ने इतिहास रच दिया है। भाविना भारत के लिए ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीत कर लाई हैं। इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई। उनका सफर युवाओं को स्पोर्ट्स में आने के लिए प्रेरणा देगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा है कि भाविना की जीत भारत के लिए गर्व की बात है। राष्ट्रपति कहते हैं कि भाविना पटेल ने भारतीय दल को सिल्वर मेडल जिताकर प्रेरणा दी है। भाविना का मेडल जीतना भारत के लिए बेहद गर्व की बात है। इस शानदार उपलब्धि पर मैं भाविना पटेल को बधाई देता हूं। इसी के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भाविना पटेल को बधाई देते हुए कहा है कि टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय महिला टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भाविना पटेल को हार्दिक बधाई। आपकी सफलता भारतीय दल और देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। भावी सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका प्रदर्शन लगातार तमाम जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो खेल में रुचि रखते हैं उनको प्रेरणा जरूर देगा। तो भाविना पटेल को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और कहा कि आपका प्रदर्शन भारत के लिए गौरव की बात है। तो पैरा ओलंपिक्स चल रहे हैं टोक्यो में और इसमें भारत लगातार परचम लहराते हुए नजर आ रहा है। तो भाविना पटेल को हार्दिक शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की तरफ से लगातार दी जा रही हैं। ट्विटर के माध्यम से ये बधाइयां दी गई हैं। वहीं पूरे अगर उनके क्षेत्र की मैं बात करूं तो उनके क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है और लोग भाविना पर गर्व करते हुए नजर आ रहे हैं, और सिर्फ उनका क्षेत्र नहीं पूरा देश उन पर गर्व करता है। गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने का जोर दिया। गढ़वाल सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, जलागम, दीनदयाल ग्राम ज्योति, पीएम फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, तमाम योजनाओं की विस्तार से प्रगति समीक्षा की है। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही है।
तो निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद और यहां उन्होंने तमाम बातें जो हैं वो रखी हैं, जो योजनाएं हैं उनका जिक्र किया और कहा है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए, उनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और हर एक घर तक, हर एक व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ जरूर पहुंचना चाहिए। ये तमाम बातें कही गई हैं निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की है और कहा है कि ये योजनाएं लगातार लोगों को लाभ देती रहनी चाहिए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लिया था, केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और वो कहते हुए नजर आए कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने पर जोर दे रहे हैं। गढ़वाल सांसद कहते हैं कि केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास योजना, पीएम जीएसवाई, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति और पीएम फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका विस्तार लगातार किया जा रहा है, विस्तार से प्रगति समीक्षा होगी। जिले में केंद्र पोषित योजनाओं की अच्छी प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सांसद तीरथ सिंह रावत ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और समयबद्धता और सरलता पर विशेष ध्यान रखने की बात कही है। वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में बदमाश कई लूटपाट की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, इसी वजह से लगातार पुलिस भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस पूरी तरीके से बैरिकेटिंग लगाकर जगह जगह पर चेकिंग अभियान चला रही है। तभी पुलिस को हिंडन एयरपोर्ट की तरफ से दिल्ली की तरफ जाते हुए एक लाल रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर दो लोग आते दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तभी दोनों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर डाली। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोलियां चलाई हैं। इसी दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों से एक पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही दुर्दांत अपराधी हैं जिनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जो दूसरा अपराधी है उस पर 60 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल होता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि पुलिस ने इशारा किया इन्हें रुकने का, लेकिन ये रुके नहीं और पुलिस पर फायर करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में इन्हें पकड़ लिया गया है, इनके पास से मोटरसाइकिल, तमंचा और लूट के जो जेवरात थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल बदमाशों का आतंक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गाजियाबाद की हम बात करें जो दिल्ली से महज थोड़ी ही दूरी पर है, वहां के शालीमार गार्डन इलाके में बदमाश कई तरह की लूट की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो लगातार पुलिस भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज साहिबाबाद थाना क्षेत्र में समय करीब 10:30 बजे सनी चौक पे संदिग्ध व्यक्तियों की पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच मोटरसाइकिल पे सवार होकर दो संदिग्ध उधर से निकले, पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया और रुके नहीं, भाग लिए। पुलिस टीम ने तत्काल उनका पीछा किया, भागते हुए ढोकरा रोड की तरफ उड़े। आगे आने पर मोटरसाइकिल छोड़ करके जंगल में भागने का प्रयास किया। जब पुलिस टीम ने फिर भी उनका पीछा किया तो उन लोगों ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम ने फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा उन पर फायर किया गया, जिससे दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी और वो गिर गए वहां पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र भाटी मेरे साथ गाजियाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस खबर पर? तरीके से पुलिस तमाम वारदातों का अंकुश लगाने के लिए रणनीति तैयार करती है और इसी के तहत ही पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लगातार चेकिंग कर रही है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में भी निरंतर जिस तरीके से चेकिंग चल रही है वही चेकिंग शाम के वक्त चल रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल सवार दो लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुकने से चुके रहे और ऊपर से वो भागने लग गया। जब पुलिस पार्टी ने उन्हें रुकने का इशारा किया लगातार, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर कई राउंड गोली चला दी। ऐसे में पुलिस ने भी गोली चलाई, दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि दुर्दांत अपराधी है जिन पर एक पे 100 मुकदमे जबकि दूसरे पे 60 मुकदमे दर्ज हो सकता है। कि गाजियाबाद में पुलिस एक्शन मोड में है, बिल्कुल ये कहना बिल्कुल ठीक होगा। पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और पुलिस किसी भी अपराध को अंकुश लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और ऐसे में इन बदमाशों को पकड़ा गया है, एनकाउंटर हुआ है, इन बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कहीं ना कहीं बदमाशों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की रणनीति गाजर पुलिस ने तैयार कर ली है। जी
ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद का ही पूरा मामला है जहां पर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल गाजियाबाद से तमाम अपराध की घटनाएं जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस ने अब जिम्मा संभाल लिया है और पुलिस पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर चेकिंग अभियान चला रही है। और इसी सिलसिले में जब एक बाइक आती हुई नजर आई और पुलिस को वो संदिग्ध लगे तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो बाइक नहीं रुकी, उल्टा पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिनके पास अवैध तमंचा, अवैध बाइक और जेवरात भी बरामद कर लिए गए हैं। तो गाजियाबाद का एक पूरा मामला जहां पर बदमाशों और पुलिस के बीच अंधाधुंध फायरिंग की तस्वीरें सामने आई, जिसमें दुर्दांत अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। बरेली में नगर निगम की बोर्ड की बैठक में एक बार फिर से मर्यादा तार तार हो गई। मिनी सदन में बीजेपी पार्षदों के साथ पुलिस ने हाथापाई की, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। वहीं हंगामा बढ़ता देख भारी संख्या में पुलिस को बुला लिया गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हंगामे का ये वीडियो नगर निगम बोर्ड की बैठक का है, जहां जमकर बीजेपी पार्षदों ने हंगामा किया। दरअसल IMA हॉल में नगर निगम बोर्ड की बैठक हो रही थी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगनी थी। आरोप है कि इसी बीच बीजेपी पार्षद विपुल लाला ने लुंगी पहनकर बोर्ड की बैठक में प्रदर्शन किया, जिसके बाद बीजेपी मेयर ने अपने गनर को बुला लिया और पार्षदों का आरोप है कि मेयर ने अपने गनर से पार्षद विपुल लाला के साथ मारपीट कराई और उनके बचाव में जो भी पार्षद आए उनके साथ भी मेयर के सुरक्षा गार्डो ने हाथापाई की, जिसके बाद बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी पार्षद शालिनी जोहरी का कहना है कि पार्षद विपुल लाला के साथ गलत किया गया है और मेयर ने उनके साथ मारपिटाई करवाई, जो कि पूरी तरह से गलत है। आज तक बोर्ड की बैठक में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मामला ये है कि हमारे विपुल लाला जी यहाँ पर आए, उनका अपना जो भी प्रदर्शन था हम सब उसकी निंदा भी कर रहे हैं और हम मानते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से एक प्रदर्शन किया है ना, लेकिन वो पैंट के ऊपर तहमत पहने हुए थे हैं और वो ऊपर दुशाला पूरा ओढ़े हुए थे, नंगे अवस्था में नहीं थे, जिस तरीके से यहाँ पे लिखवाया जा रहा है ऊपर दुशाला पूरा ओढ़े थे। हम सब उनको समझाते और उनको हम शांत करवा देते। एक 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 ऐसा व्यक्ति जिसको के बराबर तिरस्कार हो रहा हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है यह सब कोई जान सकता है, जिसके बारे में काम नहीं हो रहे उसको समझने। उसके बाद माननीय महापौर जी ने तुरंत यहाँ पे पुलिस बुलाने का आदेश दे दिया, पहले उनको निलंबित किया कि 3 बैठकों के लिए निलंबित और बैठक से बाहर चले जाएं। उसके बाद पुलिस बुलवा के उनको पुलिस से खिंचवाने लगे, जब और पुलिस ने उनको मारा, जब उनको मारा तब हम सब पार्षद साथी उठे, उस पर उन्होंने मुकेश मल्होत्रा जी सबसे आगे पहुँच गए थे, उनको भी झापड़ मारा। वहीं इस मामले में मेयर डॉक्टर उमेश गौतम का कहना है कि पार्षद विपुल लाला नग्न अवस्था में बोर्ड की मीटिंग में प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। उनका कहना है कि किसी तरह की मारपीट नहीं की गई, पार्षद इसलिए हंगामा कर रहे थे ताकि विपुल लाला का निलंबन वापस ले लिया जाए, लेकिन उनका निलंबन किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं इस मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर अभिषेक आनंद का कहना है कि किसी तरह की मारपीट नहीं हुई है। देखिए, हमारी सदन की बैठक चल रही है, सामान्य बोर्ड की बैठक है, इसमें एक माननीय पार्षद हैं विपुल लाला, वो सदन में प्रश्नकाल के दौरान नग्न होकर बीच में आ गए, वेल में आ गए और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें पार्षदगण बैठी थीं, शर्म के मारे उनके सर झुक गए, तो उनको आगामी 3 बैठकों के लिए निलंबित करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया कि आप सदन को तत्काल छोड़ दें और सदन से बाहर निकल जाएँ। बाहर निकलने की बजाय मुझे लगता है कि उन्होंने पता नहीं किस मानसिकता का वो अपना परिचय दे रहे थे, वो जाके जोर जोर से चीखने लगे, बदतमीजी करने लगे और यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में सदन की गरिमा बनाने के लिए हमने अपने स्टाफ को भी बताया और जो पुलिस बल बाहर रहता है उनको भी बुलाया गया। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बोर्ड की मीटिंग में हंगामा हुआ हो, बल्कि हर बार जब भी बोर्ड की मीटिंग होती है तो हंगामा होता ही है। बरेली से योगेंद्र, न्यूज़ फॉर इंडिया। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी योगेंद्र सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, ये पूरा मामला किस तरह से है, इस पूरे मामले को जरा समझाइए।
कि बरेली नगर निगम में ये सदन की मीटिंग चल रही थी, इसमें मेयर और सभासद कई पार्षद लोग जो थे उस मीटिंग में मौजूद थे, जिसको लेके एक विपुल लाला नाम के साथ पार्षद हैं वो एक बेल में आ गए थे, जिस तरह सामने को निकल के आए थे, तो उसको लेके मेयर उमेश गौतम है यहाँ पे जो भाजपा के मेयर हैं, भाजपा के ही सभी पार्षद थे, तो उन्होंने विरोध किया कि इस तरीके से अर्धनंग होके आए हैं, तो इस चीज को लेकर के आरोप है भाजपा के मेयर का। लेकिन वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ मारपिटाई की गई है, उनके ऊपर हमला किया गया है। जी बिल्कुल वही, ये इस तरीके से जब वहाँ बेल में पहुंचे तो मेयर के जो गनर हैं उनके साथ में उन्होंने हटाने की कही थी, जिसको लेके मेयर के गनर से और पार्षदों में हाथापाई हुई थी। विपुल लाला के साथ जो हाथापाई हुई है वो वीडियो में भी चीजें दिख रही हैं, तो उसमें उसको लेके सभी पार्षदों ने फिर विरोध किया कि इस तरीके से पार्षद के साथ में होता, तो पार्षद पूरे मामले में क्या कोई कार्रवाई हो पाई है, क्योंकि पार्षद हंगामा कर रहे थे लगातार और बीजेपी पार्षद आरोप भी लगा रहे हैं गनर पर। बिल्कुल, जो विपुल लाला पार्षद हैं जिनकी वजह से ये पूरा हंगामा हुआ, उनको यहाँ से सदन से निष्कासित कर दिया गया है मेयर के द्वारा, तो मेयर ने कहा इनको निष्कासित किया, उसी निष्कासन को लेकर के तमाम पार्षद एकजुट हुए हैं कि जो निष्कासन हुआ है वो गलत हुआ है, तो ये एक तरह से दोनों तरफ से भाजपा के पार्षद भाजपा के मेयर के बीच में तनातनी का माहौल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए योगेंद्र। तो बरेली में मिनी सदन में जमकर हंगामा होता हुआ नजर आया है, बीजेपी पार्षद जो है वो जमकर हंगामा करते हुए नजर आए हैं। दरअसल मेयर के गनर पर मारपीट करने का आरोप जो बीजेपी पार्षद हैं वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन क्या कार्रवाई की गई है इसका कोई अभी जो अपडेट है वो नहीं आ पाया है। तो बरेली का ही पूरा मामला है जहां पर बीजेपी पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है और मिनी सदन के अंदर यह हंगामा किया गया पार्षद द्वारा। दरअसल उनका निष्कासन हो गया था एक पार्षद का बताया जा रहा है, जिसके बाद उनके निष्कासन से जो दूसरे बीजेपी पार्षद से वो खुश नहीं थे, ऐसे में वो हंगामा करने लगे। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मेयर के गनर ने उनके साथ मारपिटाई की है, उनके ऊपर हमला किया है। वही ड्रग्स मामले में लंबी पूछताछ के बाद अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार शाम को एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की थी, इस दौरान उनके घर से ड्रग्स बरामद हुआ है। एनसीबी के मुताबिक जिस ड्रग पेडलर की निशानदेही पर अरमान कोहली तक एनसीबी पहुंची, उसे और अरमान कोहली को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। इतना ही नहीं, इसमें बॉलीवुड के और कौन कौन से लोग शामिल हैं ये भी जांच की जाएगी, इसलिए एनसीबी कोर्ट में अरमान की ज्यादा से ज्यादा रिमांड लेने की कोशिश करेगी। अरमान कोहली की गिरफ्तारी के बाद कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले समय में संभव है। 28 अगस्त की सुबह एनसीबी ने हाजी अली के पास छापेमारी की थी, यहां से एक बड़े ड्रग पेडलर अजय राजू सिंह को पकड़ा गया था और उससे 25 ग्राम एमटी बरामद की थी। बताया जा रहा है कि वो हिस्ट्री शीटर है, साल 2018 के एनएनसी मुंबई केस में भी वो शामिल था जहां बड़ी मात्रा में तमाम चीजें बरामद की गई थी। अजय राजू सिंह की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद एनसीबी ने आगे की जांच शुरू कर दी है और एक्टर अरमान कोहली के घर छापेमारी में ड्रग्स बरामद की गई है। पूछताछ के बाद अरमान कोहली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि साल 2020 में भी ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार किए थे मुंबई पुलिस ने, और तमाम जो अभिनेता हैं अभिनेत्री हैं उनके नाम भी सामने आए थे। लेकिन एक बार फिर से ये पूरा मामला जो है वो उजागर हुआ है, ड्रग्स पेडलर पकड़े गए हैं जिन्होंने अरमान कोहली का नाम लिया और अरमान कोहली अब एनसीबी के शिकंजे में हैं। तो ड्रग्स मामले में एक्टर अरमान कोहली गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने उन्हें शिकंजे में लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।